मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज मुस्लिम रूल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन द मिडिवल टाइम पीरियड। ओके, सो मुस्लिम रूल इन मिडिवल टाइम पीरियड। अभी तक हमने डिस्कस किया दैट इज एंशियंट जम्मू एंड कश्मीर। एंशियंट में हमने डायनेस्टी डिस्कस की, कारकोटा डायनेस्टी, देन उसके बाद उत्पाल डायनेस्टी, देन लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी में हमने डिस्कस किया, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट रूलर दैट इज रिंचन। रिंचन डिस्कस किया, रिंचन से पहले हमने डिस्कस किया था दैट इज योर हर्षा। हर्षा वॉज वेरी अनपॉपुलर। ओके, सो देन द कोटा रानी। ओके, कोटा रानी। सो एक चीज हमने डिस्कस की थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रिंचन एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोटा रानी, देर वॉज वन मैन हु वॉज वेरी प्रोमिनेंट, हिज नेम वॉज शाह मीर। ओके, सो शाह मीर। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोटा रानी, शाह मीर गॉट अपॉर्चुनिटी एंड ही फाउंडेड हिज ओन डायनेस्टी विद हिज ओन नेम दैट वॉज नोन एज शाह मीर डायनेस्टी। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। ओके, मुस्लिम रूल इन कश्मीर। Although Rinchen was converted into Islam, but it was not said to be the Muslim beginning of Muslim rule in India, because after Rinchen, the rulers were follower of Hinduism. Okay, so let us start. That is the Muslim rule in the Jammu and Kashmir. Okay, so that is Shah Mir. Shah Mir was the founder of this dynasty. The coming of Shah Mir to the throne of Kashmir in 1339 was the beginning not only of a new dynasty but also the Muslim rule in the Kashmir. Okay, the Muslim rule in the valley. During the rule of this dynasty from 1339 to 1561, Islam was firmly established in Kashmir. So Islam kab aaya? Islam aaya during the time period of Shah Mir. Shah Mir se pehle Islam aaya, lekin Islam rule jo hai inke time period mein start hua 1339 में। सो अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस, सम स्कॉलर सेज दैट हु वाज शामिर, सम स्कॉलर सेज दैट शामिर ओरिजिनली बिलोंग टू सवात रीजन और सवात वैली एंड ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ टर्किश ओरिजिन। कुछ लोग बोलते हैं सवात से आया था। एंड सम सजेस्टेड दैट ही केम विद द सेज मीर सैयद हमदानी। मीर सैयद हमदानी जो है हु बिलोंग टू कुबरिया सूफी ऑर्डर, कुबरिया सूफी ऑर्डर से बिलोंग, उसके साथ जो है शाह मीर केम टू कश्मीर। ओके, सो मीर सैयद हमदानी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, यू मस्ट कीप इन माइंड। ओके, सो दिस इज द शाह मीर। ही वॉज अ पावरफुल रूलर, नो डाउट अबाउट दैट, एंड कंडक्टेड द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन एफिशेंट मैनर। He was successful in restoring peace and reviving prosperity of the kingdom, which had been disturbed during the period of Dallucha, during the time period of Rinchen, during the time period of Kota Rani. So there was a problem in Kashmir. What he did, he restored. Okay, the later Hindu rulers imposed many taxes on the people. He abolished that taxes. He abolished arbitrary taxes. He fixed the state share of the land revenue at 1/6 of the gross produce. Though he was Muslim, but he was very tolerant. Okay, he made no distinction between Hindus and Muslim subject. He made no changes in the system of administration except that he replaced the current Hindu era with a new one called Kashmiri Sana. So the new Kashmiri calendar is known as Kashmiri Sana to commemorate the conversion of Rinchen to Islam. So अपने साथ नहीं स्टार्ट किया, रिंचन जो है 1320s में when he become the ruler, he was converted into Islam by बुलबुल शाह, then it was the beginning of new calendar. Okay, so the what about the शाह मीर successor थे? So there are number of successors हैं, लेकिन हम बड़े सिलेक्टिव करेंगे. ओके, दैट्स द जमशेद आया, जमशेद के बाद अलाउद्दीन आया, अलाउद्दीन के बाद शियाबुद्दीन आया, देन कुतुबुद्दीन आया, देन सुल्तान सिकंदर इज देयर एंड सुल्तान जैनुल आबदीन इज देयर. ओके, सो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है जैनुल आबदीन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. देन सुल्तान सिकंदर इज देयर, सो देयर वर सीरीज, देन शियाबुद्दीन वॉज ऑल्सो देयर. ओके, सो शाह मीर के सक्सेसर कौन कौन से? सबसे पहले जमशेद, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? ही बिल्ट अ ब्रिज ओवर झेलम एट सोपुर एंड नंबर ऑफ रेस्टिंग प्लेसेस
for the convenience of the travelers. Okay, then Alauddin era of equality during the time period of you can say that Alauddin. Then there was a revolt of Lavanya. Then Shihabuddin. Shihabuddin, jo hai, he was very he was a great warrior. He was known as Lalityaditya of medieval Kashmir. He imposed a new tax, that is a budge tax. It was on trader, and the boatmen Banjis were forced to serve the king without any payment. So he was, you can say that he was known for such kind of activities. Then Qutbuddin, he had no contribution. Then after Qutbuddin, Sultan Sikandar came to the throne. He was the most controversial ruler of Shah Mir dynasty. He was the most controversial ruler of medieval Kashmir. Okay, he was known for his controversial religious policy. तो ये अपने रिलीजियस पॉलिसी के लिए जाना जाता है. ही वॉज नोन एज बुत शिकन. बुत शिकन जो है, बुत शिकन बोला जाता है. आइडल ब्रेकर हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन अलीशा, देन उसके बाद सुल्तान सिकंदर. ही वॉज सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट. ओके, सो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे शाह मीर डायनेस्टी में सुल्तान सिकंदर के बारे में. ओके, सो सुल्तान सिकंदर का टाइम पीरियड जो है ये है आपका 1389 से 1413. ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ही रिमेन अंडर द रीजेंसी ऑफ हिज मदर, दैट इज सुबाता. सुबाता के अंडर था विद द सपोर्ट ऑफ टू मिनिस्टर्स, दैट इज उदाका, एंड उदाका को राय मागरे भी बोलते थे, एंड सहाका, सहक भी बोलते हैं और उदाक भी बोलते हैं. ओके, लेटर ऑन उदक लेड अ सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ लद्दाख. This success made him more ambitious, which resulted he revolted against his master, that is Sultan Sikandar ke against he revolt kar diya, which was suppressed by Sultan Sikandar, and of course he was killed. Okay, he was killed. Okay, Sultan Sikandar sent his prince Shahi Khan along with his present to the court of Timur to strengthen friendly relation with him. Timur jo hai, Timur is very very popular in Indian history. तिमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398. तिमूर को ऐसा बोला जाता कि बाबर जो है ही वॉज डिसेंडेड ऑफ तिमूर. सो तिमूर वॉन्टेड इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर, बट ही डिड, ही सेंड हिज सन, दैट इज शाही खान. ही वॉज द सेम शाही खान विच लेटर ऑन बिकम द जैनुलाब्दीन. सो जैनुलाब्दीन का असल नाम क्या था? शाही खान. ओके ओके, सो तिमूर, एक वन मिनट. तिमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो देर वॉज अ टाइम पीरियड, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में किया था. ही इन्फ्लिक्टेड अनबियरेबल मिसरीज ओवर द पीपल ऑफ दिल्ली. तो कहते हैं मोर देन 1.5 लाख पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द तिमूर इन्वेजन. ओके, एंड ही लूटेड इंडिया, ही प्लंडर्ड दिल्ली. ओके, सो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सुल्तान सिकंदर वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. द टाइम पीरियड ऑफ सिकंदर मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन सोशो रिलीजियस लाइफ इन कश्मीर वैली. सो रिलीजियस पॉलिसी जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल है. इट अपीयर्स दैट, ऐसे माना जाता है, प्रीवियसली द रूलर्स वर मुस्लिम्स, इससे पहले भी रूलर्स मुस्लिम थे, बट द सब्जेक्ट्स वर प्रीडोमिनेटली हिंदूस. देयर वर रिलीजियस हार्मनी एंड इवन मुस्लिम्स किंग्स वर नॉट ऑर्थोडॉक्स इन देयर बिलीफ. इवन ऐसा बोला जाता है कि सुल्तान सिकंदर से पहले जो रूलर था कुतुबुद्दीन, और उससे पहले जितने भी रूलर थे, दे अडॉप्टिड हिंदू प्रैक्टिसेस. ऐसा बोला जाता है कि बड़े सारे मंदिरों में शिवलिंग जो है वो इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया. ऐसा बोला जाता है फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन दे कंडक्टेड मेनी यजनास, और यज्ञ ये करवाते थे. ओके, सो देर वॉज रिलीजियस हारमोनी, बट दिस हारमोनी गॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सुल्तान सिकंदर. ओके, विद द कमिंग ऑफ सिकंदर and change in the religious policy, there were heavy influx of Muslims, Sayyid theologians and other learned men reached Kashmir from Persia. So there was immigration from other parts of the world into Kashmir. Sikandar treated these new immigrants Muslim kindly and granted them land and jagir to settle in his kingdom. Sikandar thus came under the influence of these orthodox teachers and fired with religious zeal to spread Islam. So this is very very important. Okay, so there was influx of Sayyids, theologians, other learned person, orthodox Sunni Muslims. They came to India from West Asia.
दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस प्योर इस्लामिक लॉ एट द शरीयत, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस शरीयत इन द कश्मीर एंड टू प्रोपोगेट फेथ बाय फोर्स किया, ओके। हिज रिलीजियस पॉलिसी, ही वॉज ऑल्सो नोन एज बुत शिकन और ही वॉज ऑल्सो नोन एज दैट इज आइडल ब्रेकर्स, ओके। आइडल ब्रेकर्स, मूर्तियां तोड़ने वाला, बुत शिकन, सिकंदर इज नोन एज बुत शिकन, सुल्तान सिकंदर, ओके। हिज रिलीजियस पॉलिसी वॉज गाइडेड बाय मीर मोहम्मद हमदानी, सो मीर मोहम्मद हमदानी आप कुबरिया सिलसिला एंड मलिक शाह भट, सो दीज टू पीपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे गाइडेड सुल्तान सिकंदर, क्वेश्चन आता है, ओके। एंड बोथ वर दिस वन दैट इज मलिक शाह बट वॉज रिसेंटली कन्वर्टेड इन टू इस्लाम, ओके। ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज अ रिलीजियस एडवाइजर, अ सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ परसिक्यूशन ऑफ हिंदू वॉज स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू जोना राजा। जोना राजा आपको पता होगा, जोना राजा हु कॉन्टिन्यूड कलहन राज तरंगनी, सो जोना राजा क्या लिखता है, द किंग फॉरगेट हिज किंगली ड्यूटीज एंड टुक डिलाइट डे एंड नाइट इन ब्रेकिंग इमेजेस, ओके। ही ब्रोक इमेजेस ऑफ मार्तंड टेम्पल, सो मार्तंड टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड बाय सुल्तान सिकंदर, ओके। विहारास, विश्यास, ईशानास, चक्रवृत्त, त्रिपुरेश्वरा टेम्पल, सो देर वॉज नो सिटी, नो टाउन, नो विलेज, नो वुड वेयर त्रुषक लेफ्ट टेम्पल्स अनब्रोकन। त्रुषक मीन्स दैट इज आउटसाइडर, दोस मुस्लिम्स हु कम फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड यू कैन सेट, इनको यवन भी बोलते थे, ओके। कलहन बोलता है यवन और जोनाराज बोलता है त्रुषक, ये बोलता है किंग अपनी किंगली ड्यूटी को भूल कर जो है व्हाट ही डिड, ही ब्रोक इमेजेस ऑफ टेंपल्स विहार्स एंड एवरीथिंग, इट वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ मीर मोहम्मद हमदानी दैट ही कमिटेड एट्रोसिटीज अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम इन हिज लैंड, लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज वर कन्वर्टेड एंड वर ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड किल्ड फॉर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द इस्लाम। सिकंदर वन द टाइटल ऑफ बुत शिकन, बुत शिकन मीन्स दैट इज आइडल ब्रेकर्स ड्यू टू हिज एक्शन रिलेटेड टू डिस्क्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, चेत्यास, विहाराज, श्राइन्स, हर्मिटेज एंड अदर होली प्लेसेस ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, सो ही वॉज वेरी अनपॉपुलर, ओके। सिकंदर ऑल्सो बैंड हिंदू रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू वॉल्टर लॉरेंस, जिसने वैली ऑफ कश्मीर किताब लिखी थी, हमने डिस्कस किया था पहले चैप्टर में जब हमने सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, वट ही रोट अबाउट दैट द यूज ऑफ वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स वर प्रोहिबिटेड बाय सिकंदर, गैम्बलिंग, डांसिंग ऑफ वुमेन एंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पसेस पर बैंड आर फॉरबिडन, ही ऑल्सो बैंड प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग तिलक ऑन फॉरहेड बाय द हिंदूज, ओके। तो ये सारी इसने रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो इसने लगा दी। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं क्रीमेशन जो है वो भी इसने बैन कर दी हिंदुओं की, सो देर वॉज अ प्रॉब्लम, ओके। सो ही लेफ्ट दैट इज द सेक्रेट बुक्स ऑफ हिंदूज वर डिस्ट्रॉयड, द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्टर लॉरेंस पीपल वर आस्ड टू मेक थ्री चॉइसिस, सो डेथ, कन्वर्जन एंड एग्जाइल। सो रिजल्ट क्या निकला, देर वॉज अ लॉट ऑफ एग्जाइल्ड, यू कैन से दैट बहुत सारे लोग जो हैं दे लेफ्ट कश्मीर वैली, ओके। सो कश्मीर वैली को जो है उन्होंने छोड़ दिया, एंड लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है आपका जैनुल आबदीन जो है वो इसकी पॉलिसीज को जो है वो रिवर्स करता है, एंड इट वॉज मेड पॉसिबल फॉर देम हु एवर लेफ्ट कश्मीर वैली, दे वर वेलकम्ड एंड दे वर इन्वाइटेड वंस अगेन, ओके। सो ही इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स पे जजिया इम्पोज किया, जजिया जो है अगेन, जजिया जो है इट वॉज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टैक्स, जजिया जो है सबसे पहले 712 AD में जजिया वॉज इम्पोज बाय मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो जजिया सबसे पहले इंडिया में लगाया, व्हेन द अरब इन्वेडेड सिंध, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो जजिया जो है इट वॉज अ टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम्स, सो जजिया जो है इट वॉज अ रिलीजियस टैक्स, ओके। तो वॉल्टर डोरेंस ये कहता है कि तीन चॉइसेस दी गई नॉन मुस्लिम्स को, डेथ की, कन्वर्जन की और एग्जाइल की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मैनी पीपल लेफ्ट कश्मीर वैली, ओके। इन ऑर्डर टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द इस्लामिक लॉ और शरीयत लॉ व्हाट ही डिड, ही एस्टैब्लिश एन ऑफिस दैट वॉज नोन एज शेखुल इस्लाम, ओके। शेखुल इस्लाम जो है एक नया ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश
किया गया. ओके, ही डाइड इन 1413 बिफोर ही डेथ. हिज डेथ ही अपॉइंटेड हिज सन दैट इज मीर खान एज हिज सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु टुक द टाइटल ऑफ अली शाह. ओके, सो व्हाट अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी टिल द डेट ऑफ सिकंदर. सिकंदर की डेट में कौन सा आर्किटेक्चर बनाया गया? सबसे पहले दैट इज जामिया मस्जिद इन श्रीनगर. इट वॉज द बिगेस्ट मस्जिद बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर. इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर. देन खानकाह मौला. तो इट इज सेड जो ये वाली जो मस्जिद है आपकी खानकाह जो है जो श्राइन है इनिशियली इट वॉज अ काली टेम्पल. ओके, इट वॉज अ गॉडेस काली टेम्पल. तो इट इज कन्फर्म के काली टेम्पल की जगह जो है इसको डिमोलिश किया गया और खानकाह मौला बनाया गया. इट इज ऑल्सो नोन एज शाह हमदान मस्जिद सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर झेलम बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर एंड इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुडन आर्किटेक्चर. तो इस पर भी क्वेश्चन आता है. देन अलाई मस्जिद है सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क आफ्टर जामी मस्जिद. देन अम्बरीक मॉस्क इट वॉज सिचुएटेड इन गिलगित बाल्टिस्तान रीजन बिल्ट बाय शाह हमदान ने बनाया. ओके, एंड द चकचान मॉस्क. चकचान मीन्स दैट इज मिराकुलस मॉस्क. इट वॉज बिल्ट बाय शाह हमदान. ओके, सो दिस इज द आर्किटेक्चर. देन शाह मीर डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट रूलर है आपका दैट इज जैनुल आबदीन को हम अलग क्लास में करेंगे. ओके, सो लेट अस रिवाइज. ओके, सो दिस इज शाहमीर. शाहमीर वॉज द फाउंडर. यू कैन से दैट शाहमीर वॉज द फाउंडर ऑफ द शाहमीर डायनेस्टी. ही वॉज द फर्स्ट इस्टेब्लिश मुस्लिम किंग. ओके, सो ही देर वॉज लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हाउ ही एंटर्ड इन टू कश्मीर. सम सेज दैट ही केम फ्रॉम द स्वात वैली. सम सेज दैट ही केम विद शाह हमदान. ओके, देन ऑफकोर्स ही इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर. ओके, ही यू कैन से दैट अबॉलिश्ड ऑप्रेसिव टैक्सेस विच वर इम्पोज बाय द हिंदू रूलर्स. ओके, देन ही इंट्रोड्यूस एन इक्वल एंडर. देन देर वॉज अ सक्सेसर. देर इज जमशेद. जमशेद ने पीस इस्टेब्लिश किया. ही बिल्ट अ ब्रिज. देन अलाउद्दीन. देन देर वॉज अ रिवोल्ट ऑफ सो मेनी ट्राइब्स. देन शिहाबुद्दीन इज नोन एज ललितादित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन कुतुबुद्दीन नो कंट्रीब्यूशन. देन सुल्तान सिकंदर इज अ कंट्रोवर्शियल रूलर नोन फॉर इज रिलीजियस पॉलिसी. कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसी. सुल्तान सिकंदर की जो रिलीजियस पॉलिसी जो है इट इज सिमिलर टू सपोज टू बी द सेम रिलीजियस पॉलिसी लेटर ऑन अडॉप्टेड बाय औरंगजेब इन पैल इंडिया लेवल. ओके, देन सुल्तान जैनुल आबदीन वो अभी हमने नहीं किया. ओके, सुल्तान सिकंदर Initially, he remained under the influence of his mother. Okay, he was very, teenage mein he became the ruler. Okay, and he had a contact with Timur. There was apprehension of Timur attack over Kashmir, so he avoided that attack. Okay, then religious policy changed everything. It changed social, religious, economic structure of the Kashmir. Okay, it disturbed the religious harmony. Okay, previously, the Muslim rulers were not so orthodox. And it is said he came under the influence of Mir Muhammad Hamdani or Malik Shah Bhatt. Malik Shah Bhatt, he was recently converted into Islam. Okay, Jona Raja, he was not having good words about Sultan Sikandar. Marthan Temple, dusre bhi temple hai, sabko abolish kiya gaya. He was known as Bhut Shikan. Okay, so Walter Lawrence, wo bhi kehta hai ke badi sari cheezein, which was considered as un-Islamic, it was abolished by him. Okay, and Jami Masjid in Srinagar, Khankai Mola. Alai Masjid, Amrik Mosque, it was built by him. So this is all about for today's lecture. So you are watching History Fox channel. This is me, Kashyap Sharma. Please like, subscribe and share it with at least 100 people. Okay, thank you so much.